कर रहे हैं और इसका क्या मकसद है? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा मुख्य उद्देश्य, जैसे जब से फैसला आया है अयोध्या सर्वोच्च न्यायालय का, अयोध्या में भव्य मंदिर को लेकर, उसके पश्चात हम ये देख रहे हैं समाज में, जैसे हम देखते ज़्यादा हैं समाज में, चाहे करते कम हों, देखते ज़्यादा हैं क्या चल रहा है। विभिन्न विभिन्न तरह के लोग हैं, कोई अपना संस्था बना लिया, कोई वो कर लिया है, जैसे दुकानें नहीं सज जाती हैं, दुकानें सजना शुरू हो गई हैं, ठीक। अब दुकानें सजे वो ठीक है, लेकिन दुकानें सजने के साथ साथ जो श्रद्धालुगण हैं उनको लाभ भी मिले। कोई अगर बाहर से आ रहा है, उसको एक गिलास पानी नहीं मिल सकता है। बहुत बड़ा अयोध्या जनपद है, हम एक चीज़ आपसे पूछेंगे, हमारे नगर निगम बन गया है, हमारे महापौर जी हैं, हमारे सांसद जी हैं, हमारे पूर्व विधायक भी हैं, चाहे बसपा पूर्व विधायक हो, सपा हो, किसी पार्टी का हो, किसी ने एक विषय पे इस पर ध्यान दिया है कि ऐसे चौक है, चौक क्षेत्र ऐसा है, वहाँ पे पूरे जनपद के लोग आते हैं खरीदारी करते। तो मंदिर का हम चाहते हैं स्वरूप ऐसा हो, वो तो जहाँ पे भगवान रख दिए वही मंदिर है, लेकिन स्वरूप ऐसा हो, आस्थाएं इतनी जुड़ी हुई हैं, लोग देना भी चाहते हैं। कोई खास सामग्री देगा, कोई सोना देगा, कोई चांदी देगा, कोई हीरा देगा, कोई कुछ देगा, कुछ भी कोई देगा, ये सब चीज़ें जो जवाबदेही है, वो जवाबदेही एक जगह आकर रुक जाए, एक जगह समाहित हो जाए। समाहित कहाँ पे हो? जो सरकार ट्रस्ट बना रही है, जैसे श्राइन बोर्ड वैष्णो देवी और कोई ट्रस्ट है CDG का, ऐसे सब जगह सरकार ने ट्रस्ट बना दिया। ट्रस्ट बन जाए, उसके अंदर जो भी लोग देना चाहें, ये दुकानें सज गई हैं, सज रही हैं, ये दुकानें बंद हो जाएं, सिर्फ एक विषय रहे, जो संस्था, जो सरकार ट्रस्ट बनाए, सारे दान के कार्यक्रम उसी में हो, और जो भी चीज़ें 5-star बनना है, एयरपोर्ट बनना है, वो बना सरकार तो बनाएगी, लेकिन जो मंदिर के लिए जो भी चीज़ें खाद सामग्री और भी चीज़ें आ रही हैं, या धन धन भी आ रहा है, तो ट्रस्ट के ऊपर, ट्रस्ट के जिम्मे पर रहे। और हमारी तो जो आस्था है, हम चाहते हैं कि श्री राम का मंदिर जो है, जैसे बताया गया है कि उसमें लोहे और सीमेंट का उपयोग नहीं होगा, तो लोहे हमारे ट्रस्ट का मुख्य रूप से सहयोग होगा। जिस दिन मंदिर निर्माण पूरा हो जाएगा, उस दिन जो जितने वो रहेंगे, क्या नाम है, जितने भी बाल रूप रहेंगे मंदिर के, सीता जी राम जी, इतने लोग सब लोग रहेंगे, सब लोगों को जो है एक चांदी का छत्र श्याराम चैरिटेबल ट्रस्ट वहाँ पे उपलब्ध कराएगी अपने संसाधन से। थैंक यू।